हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर, तो आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चन की, कहीं आप भूल ना जाओ, कर लेते हैं क्विकली रिविजन। अभी हाल ही में 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 जुलाई को ही दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नोवाक जोकोविच ये चारों ग्रैंड स्लैम में कम से कम 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने अभी हाल ही में केंद्रीयकृत भुगतान प्रणाली पद्म लॉन्च किया है और सेबी ने अभी हाल ही में एनएससी पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसने चित्रा रामकृष्णन पर भी 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और वहीं कर्नाटक ने दोस्तों काशी यात्रा योजना शुरू करी हुई है और बजाज अलायंस ने एक नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया है। एम मॉर्गन दोस्तों अब क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ये इंग्लैंड के कैप्टन रह चुके हैं और इनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने इकलौता वर्ल्ड कप जीता था। नितिन गडकरी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पुरस्कार 2021 प्रदान किए और स्वीडन और फिनलैंड इनको इनवाइट किया है नाटो ने कि आओ अब शामिल हो जाओ नाटो में। अगर ये शामिल हो जाते हैं तो नाटो में सदस्य देशों की संख्या हो जाएगी 32। ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि कल की वीडियो से थे। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए वरना आप लोग भूल जाते हो वीडियो देखने के बाद। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर बॉस इंडिया के स्मार्ट परिषद का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है दोस्तों बेंगलुरु में। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, मोदी इनॉग्रेट फर्स्ट स्मार्ट कैंपस ऑफ बॉस इंडिया इन बेंगलुरु। तो 1 जुलाई 2022 को इन्होंने उद्घाटन किया है बेंगलुरु में बॉस इंडिया स्मार्ट परिसर का। ये 25 वर्षों की योजना बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बॉस से आग्रह भी किया हुआ है। दोस्तों बॉस जो है ये पहली बार एक सदी के पहले, यानी कि इसका एक सदी हो गया, यहाँ पर आए जर्मन कंपनी के रूप में भारत आई थी। इसके करंट टाइम पर अगर बात करें कि जो औद्योगिक संबंध निदेशक हैं या कहें प्रबंध के अध्यक्ष हैं, एमडी जिसे हम लोग आसान लैंग्वेज में कह सकते हैं, वह हैं फिलिस अल्ब्रेक्टो, ब्रॉस ग्रुप के हैं। भारत के अध्यक्ष कौन है? सौमित्र भट्टाचार्य जी हैं। इसके जो भारत समूह है उसमें अध्यक्ष कौन है? सौमित्र भट्टाचार्य। अगला, हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो वो बन गए हैं दोस्तों केतनजी जैक्सन ब्राउन। इनके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जब ये बनने वाली थी अनाउंसमेंट हुआ था तभी मैंने ये क्वेश्चन कवर किया था। अब इन्होंने फाइनली अपना पद ग्रहण कर लिया है केतनजी जैक्सन ब्राउन ने। ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली ब्लैक लेडी होंगी, पहली ब्लैक वीमेन होंगी जज के रूप में। ओके, केतनजी ब्राउन। मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश बीबी नागरत्ना होंगी। और बीबी नागरत्ना कब बनेंगी भारत की महिला मुख्य न्यायाधीश? 2027 में। आपको इसके साथ में ये भी बताया गया था कि आयशा मलिक ये पाकिस्तान की दोस्तों बनेंगी पहली चीफ जस्टिस और कब बनेंगी? 2030 में। तो दोनों भी आपको याद रखना है साथ ही साथ इसी के। तो फिलहाल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पहली अश्वेत महिला जज को अपना बना दिया है सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष, केतनजी ब्राउन जैक्सन नाम है इनका। ये स्टीफन ब्रेयर की जगह पर आई हैं। क्लियर है? तो अमेरिका ने 8 अप्रैल को ही इसके बारे में बता दिया था और मैंने ये क्वेश्चन कवर भी किया था। फिलहाल ये अमेरिकी को सुप्रीम कोर्ट की 6ठी महिला हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में गेल के नए चेयरमैन कौन बने? गेल एक महारत्न कंपनी है दोस्तों, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं संदीप कुमार गुप्ता जी। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, संदीप कुमार गुप्ता पिक्ड टू बी नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ गेल। तो ये गेल के नए चेयरमैन होंगे। अभी कल वाली अगर वीडियो जिन लोगों ने देखी होगी, रात को जो 8 PM पर क्लास आती है लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के रिवीजन का, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं और उनमें से बहुत सारी महारत्न कंपनियों के नाम मैंने आपको बताए थे कि उसके अध्यक्ष कौन कौन है। तो उसमें से गेल भी एक था और गेल जो था इसके बन गए हैं नए अध्यक्ष संदीप कुमार गुप्ता। ठीक है, प्रमोद अग्रवाल दोस्तों ये बने हैं CIL के।
इसके अलावा सोमा मंडल जो है ये सेल की हैं, अलका मित्तल जो है ONGC की हैं, और पुष्प कुमार जोशी जी HPCL के हैं, अरुण कुमार सिंह जी हैं BPCL के, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के। ओके चलिए, 11 महारत्न कंपनियां हैं, 11वीं जो है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिलहाल संदीप कुमार गुप्ता जी के बारे में बात करेंगे तो ये मनोज जैन का स्थान लेंगे 31 अगस्त 2022 को, जो कि रिटायर होंगे, यानी ये 31 अगस्त के बाद बनेंगे संदीप कुमार गुप्ता जी, अपना पद ग्रहण करेंगे, तो 2026 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। ओके, 1984 में दोस्तों स्थापित हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और एक ये महारत्न कंपनी है। अगला, हाल ही में किसको CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा गुणवत्ता रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये मिला है दोस्तों अशोक सूता जी को। अशोक सूटा यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं। इनको अभी हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। ये अशोक सूटा जो हैं, ये फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के, किसके, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के, तो इनको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री होता है। अगला है, हाल ही में CCI ने भारतीय एयरटेल में किसके द्वारा प्रस्तावित इक्विटी अधिग्रहण को मंजूरी दी है, तो अभी हाल ही में CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारतीय एयरटेल में दोस्तों गूगल के द्वारा अधिग्रहण जो किया जाना था, मतलब कुछ परसेंट इक्विटी लिया जाना था, उसको मंजूरी दे दी है। एक्चुअली में दोस्तों गूगल जो है ये 1% से ज्यादा इक्विटी होल्ड करना चाह रहा था भारतीय एयरटेल में, और अगर आपको याद हो तो जब बैन चाइना चल रहा था ना 2020 में, उसी टाइम पर केंद्र सरकार ने ये लाया था नियम कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत की किसी भी कंपनी में 1% से ज्यादा स्टेक नहीं होल्ड कर सकती है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि बहुत सारी चाइनीज कंपनी का दोस्तों धीरे धीरे आधिपत्य बढ़ता जा रहा था, तो 1% से ज्यादा होल्ड अगर करेगी तो उसके लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से लेनी होगी अनुमति। तो ऐसे ही गूगल अभी 1.28% इक्विटी लेना चाह रहा था, तो इसके लिए इसने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से सहमति मांगी थी और अभी इसको मंजूरी मिल गई है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, गूगल्स प्रपोज इक्विटी एक्विजिशन ऑफ भारत एयरटेल अप्रूव्ड बाय CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कितना बाय करने के लिए ऑफर किया था इसने, 1.28% का, तो अब इसका 1.28% का स्टेक जो है गूगल को अब मिल सकता है भारतीय एयरटेल का। कितने में ये डील, लगभग $1 बिलियन में हुई है, तो इसको मंजूरी मिल गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसकी स्थापना 2003 में करी गई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। एयरटेल भारतीय एयरटेल के सीईओ हैं गोपाल विट्ठल और सुनील भारती मित्तल इसके फाउंडर हैं। ओके, यहाँ पर आप गूगल के बारे में भी देख पाओगे, 1998 में ये कंपनी बनी, लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन इन दोनों ने मिलकर के ये कंपनी बनाई, और इसके बाद सुंदर पिचाई इसके सीईओ बने, और उसके बाद तो पूछो ही मत गूगल कहाँ पहुँच गया, कैलिफोर्निया US में इसका हेडक्वार्टर है। वैसे सुंदर पिचाई और सत्या नडेला यानी कि गूगल के सीईओ और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, इन दोनों को इस बार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। किससे? पद्म भूषण से, याद रखेंगे आप। अगला है, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए, तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो हैं इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। कुछ दिन पहले ये नियुक्त हुए थे तो मैंने आपको बताया भी था, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, तो इन्होंने शपथ ले ली है प्रेसिडेंट पद के लिए फिलीपींस में, तो रिप्लेसिंग दुतर्ते यानी कि एड्रिगो दुतर्ते जो है उनकी जगह पर ये आए हुए हैं, रोड्रिगो दुतर्ते की जगह पर। अब एक चीज और याद रखना, ये जो फर्नांडियन मार्कोस जूनियर हैं ये दोस्तों अपने पिता की जगह पर उन्हीं के नाम पर हैं, और इनका नाम आगे जूनियर लिख दिया गया है, बाकी इनके पिता का भी नाम यही था सेम। तो इनके पिता काफी अच्छा कार्यकाल भी निभाए, काफी अच्छे राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन इनको ना, मतलब इनकी कॉलेज की डिग्री को लेकर के लोग बड़ा ज्यादा कमेंट उठा रहे थे, और इनको मतलब थोड़ा सा लोग बहुत लाइटली लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर अब तो ये राष्ट्रपति बन गए हैं, तो 6 साल तक तो ये बनेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो फिलीपींस संविधान में, क्योंकि राष्ट्रपति जो बनता है वो 6 साल के लिए होता है, फिलीपींस से बहुत सारे क्वेश्चन रिसेंटली आए थे, जैसे मनीला फिलीपींस में तो आप जानते ही हो ADB का हेडक्वार्टर है, तो स्टैटिक हुआ। इसके अलावा दोस्तों अभी आया था न्यूज कि भारत जो है ये फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है, और फिलीपींस ही है वो दोस्तों जो गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश है,
पहला देश फिलीपींस ही है, ठीक है। मनीला में इसकी राजधानी है, फिलिपिनी पेसो इसकी मुद्रा होती है। अभी आप कहोगे सर वर्ल्ड मैप में तो दिखाए ही नहीं, तो चलिए दिखा देते हैं वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन कहाँ पर है। आप देख पाओगे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आपको आना है थाईलैंड में, थाईलैंड से कंबोडिया, कंबोडिया वियतनाम, पार करते हुए साउथ चाइना सी, फिर यहाँ पर जो देश मिलेगा ये है दोस्तों फिलीपींस, और यहाँ पर देखिए ये है इसकी राजधानी मनीला, ठीक है, जहां पर एडीबी का हेडक्वार्टर पड़ता है। क्लियर है ना बिल्कुल। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता। तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में अभी हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जब सिल्वर मेडल जीतते हैं तो ये अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हैं, नेशनल रिकॉर्ड। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले इन्होंने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था, एक बार फिर से इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड अपना ब्रेक कर दिया है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, नीरज चोपड़ा क्लेम सिल्वर एट डायमंड लीग सेट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड। तो इन्होंने सिल्वर तो जीता वहां पर, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय रिकॉर्ड में इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 89.94 मीटर दूर भाला फेंक दिया है। ये एक नया नेशनल रिकॉर्ड इनका बन गया है। कुछ दिन पहले इन्होंने अपना नया रिकॉर्ड बनाया था नेशनल रिकॉर्ड, और अब फिर से इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है उसको भी तोड़ते हुए। तो अभी पहली बार ये डायमंड लीग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में भी कामयाब हुए हैं और सिल्वर जीत चुके हैं। गोल्ड मेडल किसने जीता, एंडरसन पीटर्स ने जीता गोल्ड मेडल। ये कहां पर आयोजित हुआ, स्टॉकहोम में आयोजित हुआ। नीरज चोपड़ा के बारे में तो आप जानते हो, भारत में एथलेटिक्स का इकलौता गोल्ड इन्होंने ही दिलाया है, 7 अगस्त 2021 को दिलाया था। इस वजह से 7 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं, अब से राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाएंगे, और अभी 7 अगस्त आने ही वाला है अगले महीने में। तो अगला ही महीने का 7 अगस्त वो तारीख है जब भारत को पहला गोल्ड मिला था ओलंपिक्स में, एथलेटिक्स में। ओके, नीरज चोपड़ा हरियाणा से हैं। अच्छा, ग्रुप डी का स्पेशल जीएस बैच है दोस्तों, जीएस करंट अफेयर और साइंस, ये कॉम्बो बैच है इन तीनों का, और ये कॉम्बो बैच बहुत सारे लोग इसको ले रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है उनको। ये लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के साथ आती है, डिटेल आपको पीडीएफ दी जाती है, मंथली ई बुक आपके एग्जाम तक दी जा रही है, और अब तो एग्जाम डेट भी आ गई है, 17 अगस्त तक आपका एग्जाम होगा, शुरू होगा। रिविजन क्लास जो है शुरू कराई जाएगी आपकी, और एनटीपीसी सीबीटी 2 के सॉल्व पेपर भी कराए जाएंगे। एनटीपीसी सीबीटी 2 के मैथ और रीजनिंग के सॉल्व पेपर तो शुरू भी हो गए हैं, तो मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस आप लोग अब यूट्यूब से फॉलो कर सकते हैं इसी एमजेटी ऐप पर। फिलहाल ये कोर्स 399 का है, एमजेटी ऐप पर जाकर के मिल जाएगा। इसके अलावा ये क्लासेस की शेड्यूल है दोस्तों, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो। ये यूट्यूब की क्लासेज हैं, तो यहाँ पर मैं आपको जैसे बताया मैथ की चलेगी 5 बजे शाम को, और डेली 11 बजे सुबह में ग्रुप डी के लिए रीजनिंग चलेगी। जबरदस्त तरीके की चल रही है रीजनिंग और मैथ की क्लास। कल मैथ की क्लास हुई है, लेकिन आगे आने वाले कल से यानी कि मंडे से कहें हम लोग, तो दोनों क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से चलने वाली है आपकी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, हमारा यहाँ पर एक स्टैटिक जीके की क्लास आती है, इसको लेना मत भूलना। यहाँ पर डेली 12 बजे आता है और शानदार तरीके से आपको स्टैटिक जीके पढ़ाया जाता है, और शाम को करंट अफेयर्स शो होता है, इसमें तो आप बवाल मचाते ही हो। चलिए अगला, हाल ही में किस कंपनी ने ईवी मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ईवी मित्र मोबाइल ऐप दोस्तों बेसकॉम ने लॉन्च किया है। बेसकॉम दोस्तों एक कंपनी है, इसने ईवी मित्र नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस लिए, टू प्रोवाइड इन्फो ऑन ईवी चार्जिंग स्टेशंस इन बेंगलुरु, यानी बेंगलुरु में ईवी चार्जिंग स्टेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इसने लॉन्च किया है, बेंगलुरु इलेक्ट्रिक कंपनी बेसकॉम ने। ओके, तो इसने दोस्तों एक प्रकार से ये बताने का काम किया है इस एप्लीकेशन के जरिए कि कहाँ कहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है, कितना क्या सीटें वहाँ पर खाली हैं, और मतलब पूरा डिटेल बताएगा कि आपको जब चार्ज करना है तो आप ईवी को कहाँ पर जा करके चार्ज कर सकते हो। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, इससे पहले इसने ईवी जागृति वेब पोर्टल लॉन्च किया था नीति आयोग के साथ मिलकर के, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिलहाल ईवी अभियान अभी 1 जुलाई से 6 जुलाई तक चलाया जा रहा है। अगला, हाल ही में भारत और किस देश की सेना ने देहरादून में 9th आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने अभी 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की है। कहां पर आयोजित की है, देहरादून उत्तराखंड में। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया होल्ड 19th आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक इन देहरादून। तो 9वां ये आर्मी टू आर्मी यानी कि भारत की सेना होगी और ऑस्ट्रेलिया की सेना होगी, इसके बीच में ये स्टाफ टॉक होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आस्त। क्या,
आस्क यानी आर्मी टू आर्मी स्टाफ टाक बोलते हैं इसे। चलिए अभी और भी टर्म मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी एक टर्म आया था क्वाड, तो क्वाड क्या होता है, ये दोस्तों होता है चार देशों का ग्रुप है, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। एक होता है I2U2, अभी I2U2 आया था, यानी इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, इन चारों देशों के बीच में एक और क्वाड ग्रुप है। तो ये सब टर्म है, आप याद रखेंगे। फिलहाल 25 जून से 1 अगस्त तक भारत की यात्रा पर ऑस्ट्रेलियाई सेना का प्रतिनिधि मंडल रहेगा और उसी टाइम पर ये टाक होगा। ओके, इंडियन आर्मी की बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना मानी जाएगी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के दोस्तों अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी हैं। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया आया है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जानते चलो। ऑस्ट्रेलिया आप वर्ल्ड मैप में सबसे पहले देखोगे, ये है अपना प्यारा भारत। यहां से आप आओगे नीचे की तरफ, इंडोनेशिया से भी नीचे, तो यहां पर आपको एक देश मिलेगा, नाम है इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनबरा, और यहाँ के अभी नए पीएम बने हैं। कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज बने हैं। देखना चाहोगे आप एंथनी अल्बनीज को? चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख लो, ये हैं एंथनी अल्बनीज। तो कैनबरा राजधानी है, एंथनी अल्बनीज नए प्रधानमंत्री हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, संसद का नाम पार्लियामेंट। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। तो ये इस बार 2 जुलाई को मनाया गया। क्यों? क्योंकि ये जुलाई महीने के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। जुलाई मंथ के फर्स्ट सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अच्छा, सहकारिता से मुझे एक पॉइंट याद आ गया, सहकारिता मंत्रालय नया मंत्रालय जुड़ा है भारत सरकार में ना, और सहकारिता मंत्री कौन है? केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, जो कि गृह मंत्री भी हैं। ओके, फिलहाल आ जाते हैं क्वेश्चन पर। 2 जुलाई को इस बार फर्स्ट सैटरडे पड़ा था, किस महीने का? जुलाई महीने का। इस वजह से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यानी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने दोस्तों 1995 के पहले शनिवार को जुलाई में महीने में सहकारिता दिवस पहले रूप में पहली बार में घोषित किया था। इसे कूप दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार की कूप दिवस की थीम, या कहें कोऑपरेटिव दिवस के की थीम जो है वो है कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। क्या है? कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। क्लियर है बिल्कुल। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर का दिन था, और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस इसीलिए मनाया जाता है। अच्छा, इसी दिन विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। एंटोनियो गुटरेस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, 193 मेंबर हैं करेंट टाइम पर, किसके? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो नासा की स्थापना 1958 को हुई थी। 1958 में ही भारत में DRDO स्थापित किया गया था। भारत के महान्यायवादी का प्रावधान दोस्तों ये अनुच्छेद 76 में कहा गया है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था। आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, आंसर जरूर किया करो। क्वेश्चन ऑफ द डे में बात करेंगे, आज आपको बताना है फ्रूट्स सॉफ्टवेयर योजना किस राज्य सरकार की योजना है, और नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना, कोशिश जरूर करना 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने का। और इस वीडियो की क्विज और PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, जाकर के आप डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।